मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस दुनिया में अगर कोई बात अटल है तो वह है हमारी मृत्यु। अर्थात इस धरा पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि मनुष्य जैसा प्राणी इसे जानते हुए भी सबसे अधिक इसी सत्य से भागता है, और इसका कारण है मृत्यु के रहस्यों के बारे में जानकारी का ना होना, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में मृतक के शरीर को जलाया क्यों जाता है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस कर्म के कारण मृत आत्मा को किस योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो चलिए मृत्यु के रहस्यों से पर्दा उठाने का ये सफर अब शुरू करते हैं। नमस्कार, और द डिवाइन टेल्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड प्रेतकल्प अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब मनुष्य की मृत्यु का समय नजदीक आता है तब उसके शरीर की स्थिति क्या होती है, और साथ ही ये भी बताया गया है कि इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद उसके शव के साथ उसके परिवारजनों को कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि मृतात्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। गरुड़ प्राण के प्रकल्प अध्याय में पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, जब मनुष्य अपने इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन अवस्था में पहुंचता है तब उसके शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। मरणासन मनुष्य अचानक सर्प की भांति मौत की जकड़न में बनता चला जाता है, परंतु फिर भी जीने की मन में इच्छा लेकर दुखदायी जीवन को व्यतीत करता रहता है, और फिर अंतिम क्षणों में उसे एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें मरणासन मनुष्य को सभी लोग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं, जो मनुष्य जीवन भर झूठ नहीं बोलता, किसी के साथ छल नहीं करता, आस्तिक और श्रद्धावान रहता है, वो सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त करता है। वहीं जो मनुष्य मोह और अज्ञान का उपदेश देता है वह मृत्यु के समय महाअंधकार में फंस जाता है। जो झूठी गवाही देता है या फिर किसी के साथ विश्वासघात करता है और वेद निंदक है वो मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करता है। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मुदर से युक्त भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति को देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता पिता और पुत्र को याद कर करुण क्रंदन करता है। उस पल प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती हैं, उसकी सांसें बढ़ जाती हैं और मुंह सूखने लगता है, और इसके बाद ही वह शरीर का परित्याग करता है। इसके बाद यमलोक पहुंचने पर जीवात्मा जब यमराज को देखकर भयभीत होती है तब यमराज के आदेश से उस जीवात्मा को पुनः एक बार उसी स्थान पर यमदूतों द्वारा ले जाया जाता है जहां उसका मृत शरीर रखा हुआ होता है। ऐसे में जीवात्मा वापस आने पर पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है, परंतु यमदूतों द्वारा पाश में बंधे होने के कारण वह अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। ऐसे में उस जीवात्मा को भूख एवं प्यास सताने लगती है, और जब उससे ये कष्ट सहन नहीं होता वह जोर जोर से रोने लगता है, परंतु उसके रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। उधर जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों आपने भी देखा होगा कि परिवार के लोगों द्वारा मृतक के शरीर को घर के आंगन में गोबर से लिपे हुए स्थान पर कुश और तिल रखकर उस पर लिटा दिया जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान कृष्ण ने इस बारे में विस्तार से बताया है कि आखिर ऐसा करने से मृतात्मा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो उसे घर के आंगन में गोबर से लीप कर उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिए, तदनंतर ही उस स्थान पर मृत शरीर को लिटाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मृत प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। शव के नीचे बिछाए गए कुश समूह मृत आत्मा को स्वर्ग ले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, अतः तिल बहुत ही पवित्र है। तिल का प्रयोग करने पर असुर दानव और दैत्य भाग जाते हैं, और कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुआ है। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अग्र भाग में भगवान शिव निवास करते हैं। ये पदार्थ मृतात्मा को दुर्गति से उबार लेता है। अगर मृत शरीर को बिना गोबर से लिपी हुई भूमि या फिर गोबर के बिना लिटा दिया जाए तो उस मृत शरीर में यक्ष पिशाच एवं राक्षस कोटि के क्रूर कर्मी दुष्ट प्रविष्ट हो जाते हैं। मृत शरीर को कुशासन पर लिटाने के बाद उसके मुख में पंचरत्न डालना आवश्यक है, क्योंकि स्वर्ण या फिर पंचरत्न सभी पापों को जलाकर आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो प्रेत आत्माएं मृत शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, और फिर से वे कई सालों तक उसी योनि में भटकता रहता है।
इसके बाद परिवारजनों को चाहिए कि वे मृत आत्मा के मुख में गंगा जल या फिर तुलसी का पत्ता डाल दें और फिर बिना कोई शोक के उस मृत शरीर के पास भगवान विष्णु का नाम लें, क्योंकि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो यमराज अपने दूतों को ये आदेश देते हैं कि जाओ और उस आत्मा को मेरे पास ले आओ जो हरि का नाम नहीं ले रहे हो या फिर उनके नाम का श्रवण न कर रहे हो। इस सब के बाद मृतक के परिवार वालों को चाहिए कि वे मृतक शरीर को बांस से बने शैया पर लिटाकर उसे शमशान ले जाएं, जहां उसका विधि पूर्वक दाह संस्कार किया जाए। इसके लिए शमशान के आधे रास्ते में मृत शरीर को नहलाकर उसे स्वच्छ वस्त्र पहना दे और फिर शमशान पहुंचकर जलाने वाली जगह को पहले गोबर से लीप ले और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि वहां इससे पहले उस स्थान पर किसी को जलाया नहीं गया हो। फिर विधि विधान से उस स्थान पर चिता का निर्माण कर उस शव को उस पर रख दे। फिर पुत्र पौत्र या फिर किसी परिवार के सदस्य के हाथों से मृतक को मुखाग्नि दे। मित्रों, एक और बात भी ध्यान में रखने वाली है, जब शरीर आधा जल जाए तो खोपड़ी को किसी लकड़ी के डंडे से फोड़ दे, क्योंकि ऐसा करने से मृतात्मा अपने पितरों यानी कि पूर्वजों के लोक में चली जाती है और जब मृतक का शरीर पूरी तरह से जल जाए तो सभी लोग अपने घर वापस लौट जाए। परंतु घर के अंदर प्रवेश करने से पहले सभी स्नान अवश्य कर ले। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दूं कि दाह संस्कार क्यों आवश्यक है। गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में अगर किसी मृतक का दाह संस्कार नहीं किया जाता तो उसे अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्ति नहीं मिलती और वह सैकड़ों सालों तक मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी पर भटकता रहता है। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मृतक की आत्मा की शांति के लिए उसके परिवार वाले 10 दिनों तक पिंडदान करते हैं और फिर उसका श्राद्ध कर्म किया जाता है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से हम आपको फिर कभी बताएंगे। अभी आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद उस जीवात्मा का क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि सभी प्राणी को उसके द्वारा जीवन भर किए कर्म के हिसाब से अगले जन्म में अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में क्या बताया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियां अत्यंत ही दुखदायिनी हैं, इसलिए इन सभी को उनके कर्म के अनुसार से ही योनियां प्राप्त होती हैं। श्री कृष्ण की माने तो कोई भी प्राणी सत्कर्म और दुष्कर्म के फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए ही इस संसार में जन्म लेता है। जैसे कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मृग अश्व शूकर एवं ऊंट की योनि में जन्म लेता है, तो वहीं सोना चुराने वाला कीड़ा कीट या पतंग की योनि में और गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाला मनुष्य लता योनि में जन्म लेता है। इसके अलावा दूसरे की स्त्री के साथ संबंध रखने वाले और ब्राह्मण का धन चुराने वाले मनुष्य को दूसरे जन्म में निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। साथ ही जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में छुछुंदर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। धन की चोरी करने वाला चूहा, वाहन चुराने वाला ऊंट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जन्म लेता है। घर का सामान चुराने वाला मनुष्य गिद्ध, मधु की चोरी करने वाला मधुमक्खी, फल की चोरी करने वाला गिद्ध और अग्नि की चोरी करने वाला बगुले की योनि में जन्म लेता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा पैदा होता है। जो मनुष्य पति परायण अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। और मित्र की हत्या करने वाला मनुष्य उल्लू की योनि में जन्म लेता है। किसी छोटी कन्या के साथ दुराचार करने वाला मनुष्य अगले जन्म में नपुंसक, जल की चोरी करने पर मछली बनता है, दूध की चोरी करने से बलाकी का और ब्राह्मण को दान में बासी रोटी देने वाला कुबड़े की योनि को प्राप्त होता है। मित्रों, इसके अलावा झूठी निंदा करने वाला लोग कछुए की योनि में जन्म लेता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान है, उसी प्रकार जीव जंतुओं की भी विभिन्न प्रजातियां हैं। वे सभी अपने अपने कर्मों के प्रतिफल के रूप में सुख दुख एवं अनेकों योनियों का भोग करते हैं। इसीलिए मनुष्यों को समझना चाहिए कि जब भगवान ने उन्हें बुद्धि दी है तो वह अपने जीवन काल में शुभ कर्म ही करें, जिससे उनको इस लोक और परलोक दोनों में ही मुक्ति मिल पाए, ना कि उनको अपने अशुभ कर्मों के कारण फिर से इसी मृत्यु लोक में जन्म लेकर नाना प्रकार के कष्टों को भोगना पड़े। मित्रों, आपके मन में ये प्रश्न भी उठा होगा कि मरने के बाद जीवात्मा तो स्वर्गलोक या फिर नरकलोक जाती है, वह कब जाती होगी, वह कितने दिनों तक अपने कर्मों के हिसाब से वहां रहती है। तो मित्रों, आपको बता दें कि इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है और इस पर हमारी एक वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही।
अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।